कैसा होगा अगर आपके व्हाट्सएप से एक ही बार देखने पर सब वीडियो और इमेजेस फोटोज उड़ जाए और किसी को पता भी न चले कि कब क्या आया था। तो दोस्तों आपको सिंपली जाना है व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद दोस्तों आपको कोई एक आपकी चैट जो है सिलेक्ट करना होगी। मैं कर लेता हूँ, मैं एक चैट सेलेक्ट करता हूँ जो कि है प्रवीण पंडरीनाथ जी। सो दोस्तों आप देखोगे इन्हें मैं एक मैसेज करता हूँ। सो दोस्तों देखिए हाय कर देता हूँ मैं इनको, ये हाय कर दिया, ये तो डायरेक्ट चला गया दोस्तों। पर अगर आप कोई फ़ोटो इनको भेजते हो दोस्तों, देखिए गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको कुछ ये वाला फ़ोटो मैं लेता हूँ, ये वाला। सो फ्रेंड्स ये फ़ोटो लिया तो देखिए यहाँ पर ये एक नज़र आ रहा है। सो फ्रेंड आप समझ सकते हो ये एक नज़र आ रहा है। अगर हम इसे सिंपली इस पर विदाउट क्लिक भेजेंगे तो दोस्तों क्या होगा, यह डिलीट नहीं होगा उनकी चैट से। देखिए अभी सिंपली जो हमेशा की तरह जाता है उस तरह से चला गया। पर अगर दोस्तों आप देखिए, फिर से मैं आपको बताता हूँ ये गैलरी में, और देन दोस्तों मैं गया यहाँ पर, फिर देखिए फिर इस पर क्लिक किया। सो दोस्तों अगर एक पर आप क्लिक करके यह फोटो आगे सेंड करते हो तो वह व्यक्ति जिसे आपने सेंड किया है दोस्तों वह केवल एक ही बार इसको देख सकता है, और फिर से अगर वो इसे देखना चाहे तो वो इसे नहीं देख सकता, क्योंकि उसके व्हाट्सएप में से ये अपने आप जो है डिलीट हो जाता है। ऐसा इस एक पर क्लिक करने के बाद इसका कलर चेंज होता है, फिर आप इसे सेंड कर सकते हो। ये नज़र भी कुछ इस तरह से आता है, और उस व्यक्ति के चैट में केवल एक ही बार वह नज़र आएगा। सो दोस्तों मैं इसे, और फ्रेंड्स अगर आप उनको वीडियो भेजोगे तो वीडियो को भी ये लागू नहीं होता। देखिए मैं आपको वीडियो भेजकर बता देता हूँ, देखिए मेरे पास वीडियोस है कुछ, एक वीडियो मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हो किस तरह से इस वीडियो को भी लागू हो रहा है। वीडियो को भेजने के बाद यह वीडियो केवल एक ही बार वह व्यक्ति देख सकता है, इसके बाद नहीं देख सकता। देखिए दोस्तों भेज दिया मैंने वीडियो, यहाँ पर आपको लिखकर भी बता देता है ये फोटो है आपने भेजा हुआ या वीडियो है। सो फ्रेंड्स आप भेज तो सकते हो फोटो और वीडियो, बाकी यह जो फीचर है दोस्तों वह अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल को लागू नहीं होता, इसलिए आप जो भी भेजना चाहते हो सिर्फ फोटो और वीडियोस को यह फीचर लागू होता है। अगर यह अपडेट आपको अच्छी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस, व्हाट्सएप की अपडेट और दूसरी अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। टेक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।